अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारी हो पेरेंट्स होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एडिट करेंगे वेबसाइट का हेडर और फुटर को। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि किस तरह से ये सारे काम हम कर पाएंगे। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखें, जैसे ही मैं यहाँ पे माउस क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन आ गई एडिट हेडर। सिंपल मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें, हमारे पास हेडर की ऑप्शंस नज़र आ चुकी हैं। ये हमारे पास जो है हेडर का एडिटर शो हो चुका है। अब ये हमारे पास हमें ग्लोबल हेडर ही एडिट करना है, क्योंकि ये ग्लोबली मतलब फॉर अदर पेजेस के ऊपर भी सेम यही हेडर शो होगा, जितने भी पेजेस हैं हमारे वेबसाइट के। तो ये ग्लोबल है, लेकिन टेप के ऊपर हम चेंज करेंगे तो वो सारे पेजेस के हेडर पे चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ऑप्शन है हमारे पास साइट एंड टाइटल, अपना लोगो यहाँ पे इसकी जगह पे पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसका जो टाइटल आप चेंज कर सकते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल का लोगो अपलोड कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ से अगर बैठ जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए कुछ एलिमेंट्स के ऑप्शंस हैं कि हम क्या चेंज कर सकते हैं, कुछ बटन्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बटन था, उसको हम ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे सोशल आइकन्स नहीं है, यहाँ पे मुझे सोशल आइकन्स लगाने हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने सिंपल क्लिक कर दिया सोशल आइकन्स, और यहाँ पे देखें हमारे पास आप इसके नीचे एक और ऑप्शन आ गया जो कि पहले नहीं था। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नहीं है। क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एडिट सोशल आइकन का ऑप्शन आ गया। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं हमारे पास सोशल आइकन आ गया, तो यहाँ पे मैं बस ये जितने भी सोशल आइकन्स ऐड करना चाहूँ कर सकता हूँ, और इनको अरेंज करना चाहूँ कुछ इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं इनको अरेंज कर सकता हूँ। तो हाँ, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कार्ड का ऑप्शन है। आप कार्ड पर शो करवाना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे, अगर आपकी जो वेबसाइट है वो दोबारा से एडिट करना पड़ेगा, ई कॉमर्स वेबसाइट है, कार्ड का ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ऐड करना चाह रहे हैं। अगर आप फिक्स करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज मैं अगर इसको फिक्स कर देता हूँ और मैं अगर इसको स्क्रॉल भी करता हूँ इस पूरे पेज को, तो ये वाला हेडर जो है वो फिक्स रहेगा। अक्सर वेबसाइट पर आपने देखा था, तो इसको मैं अभी क्लियर ऑफ कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से आप हेडर का ऑप्शन चेंज कर सकते हो। मज़ीद आप मोबाइल या डेस्कटॉप के लिए एडिट करना चाह रहे हैं कि मोबाइल के ऊपर हेडर किस तरह से शो हो, तो उसको कुछ आप इस तरह से एडिट कर सकते हैं भी, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हो, किस तरह से उसका लेआउट हो। पहले सपोज हम लोगो को राइट पे चाह रहे हो, लेफ्ट पे इसको चाह रहे हैं, तो इस तरह से यहाँ पे इसको एडिट कर पाएंगे। तो ये हैं बेसिक से सेटिंग्स हेडर की, और इसके अंदर जो भी आपको सेटिंग्स करनी है हेडर की वो आप कर सकते हैं। आगे चल के हम कुछ पेजेस भी बनाएंगे और उनको एडर में भी ऐड करेंगे, बट अभी हमने कोई पेजेस बनाए नहीं है। तो अभी हम इसकी इस सेक्शन को छोड़ते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम किस तरह से पेजेस बनाते हैं और इनको यहाँ पे शो कर पाते हैं वो देखेंगे। तो अभी हम चलते हैं फुटर की तरफ और देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास देखें ये फुटर का ऑप्शन है। सिंपल मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे देखें उसी तरह से हमारे पास ऑप्शन आ गए। यहाँ पे हम इनको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें मुझे इनको मूव करना है ऊपर की तरफ, तो मैं इनको मूव कर सकता हूँ। ओके, अच्छा ओके, और इनको मुझे एडिट करना है मज़ीद यहाँ पे, तो यू आर हेयर, तो इस तरह से मैं इसको एडिट कर सकता हूँ डिफरेंट चीज़ों को। और लेट्स सपोज अगर मुझे ये पूरा फुटर ही नहीं पसंद, इसी तरह से आप हेडर भी डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं आपको फुटर डिज़ाइन करके दिखा देता हूँ। तो आप इस पूरे फुटर को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो सिंपल मैंने यहाँ पे रिमूव किया, और यहाँ पे देखिए मैं सिंपल एड सेक्शन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए प्री प्रिंट जो है डिज़ाइन यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, तो फुटर के रेलिवेंट प्री प्रिंट डिज़ाइन हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं। आप ब्लैंक ऐड करके डिफरेंट सेक्शंस यहाँ पे एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जो है टेम्पलेट्स मौजूद हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके ब्लैंक की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, आप क्या कर सकते हैं, आप ऐड ब्लैंक सेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें हमारे पास ये पूरा ब्लैंक सेक्शन आ गया, और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइकन्स या एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो चीज़ें भी हमें यहाँ पे फोटो बनाने की एडिट चाहिए होगी। मैं इसको दोबारा से रिमूव कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कोई भी टेम्पलेट यूज़ कर लेता हूँ जो कि एग्जैक्टली उसी तरह से काम करे। तो मुझे एक सिंपल सा टेम्पलेट चाहिए, तो उसके लिए मैं चूज़ कर लेता हूँ मुझे एक बेसिक सा जो फुटर है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास बेसिक सा फुटर आ चुका है। यहाँ पे साइड का टाइटल, यहाँ पे हमारे पास फजल आइकन, और मज़ीद इसके अंदर कुछ ऐड करना तो आप यहाँ पे ऐड ब्लॉक कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे आइकन्स ऐड करना है या कोई भी बटन ऐड करना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे इस तरह से बटन लाऊंगा और उसको मैं ड्रैग कर दूंगा जहाँ पे भी मुझे वो चाहिए होगा, मैं उसको इस तरह से ड्रैग कर लूँगा, और फिर इसको मज़ीद एडिट करना होगा तो वो मैं कर सकता हूँ। मस्त, अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और साइड पर क्लिक करूँगा, हमारा फोटो जो है वो रेडी हो चुका है।
तो कुछ इस तरह से आप हेडर और फुटर को एडिट कर सकते हैं स्क्वायर स्पेस के अंदर, और अपनी ही तरह से अपनी तरफ से बिल्कुल ब्लैंक स्क्वायर से एक फुटर या हेडर डिज़ाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। जो जो एलिमेंट्स आप उसमें चाहिए होंगे उस तरह के जो एलिमेंट्स आप उनके अंदर ऐड या डिलीट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आई होगी किस तरह से स्क्वायर स्पेस के अंदर हेडर और फुटर को आप चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं या मजीद उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आप लोगों का रिस्पॉन्स करूँगा। और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर।